वंदाओ सत्य कबीर के चरण कमल सिरनाय जा सुकृपा दिन करन करी ब्रह्मतम देत नसाय। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। बंदनी संत समाज उपस्थित निर्शीर विवेकी भक्त सज्जनों श्रम्भामती देवियों प्यारे बच्चों, आज बड़ी ही सौभाग्य के विषय है और वरदान भी मिला है। किसको मिला है? राजनांदगांव क्षेत्र में संत श्री योगेंद्र साहेब का तपस्थली जगह है, भूमि है, उसका दिया हुआ यह आश्रम है। उन्होंने अपना जीवन को इस आश्रम में रह करके यहां पर पत्थर रखा है, जिस पत्थर को कहा जाता है कबीर स्तंभ। और इस आश्रम को, इस भूमि को निर्माण में उन्होंने अपने शरीर को भी ध्यान नहीं दिया और अल्प आयु में सदा के लिए चले गए। लेकिन अपने पीछे इस जगह को कबीर आश्रम के रूप में विख्यात करके गए, या उनके तपस्थली जगह है। आप सब ध्यान रखिए, उनके जाने के बाद भी यह आश्रम में अंधकार नहीं है, सदैव प्रकाश से प्रकाशित है। यहां पर जो संत रहते हैं पूरा प्रकाश कर रही है, कहीं जाती नहीं है, आश्रम में ही रहती है। लेकिन पता नहीं धन का स्रोत कहां से आता है और इतने लोगों के लिए जल और भोजन और आवास का व्यवस्था भी करती है। निश्चित ही योगेंद्र साहेब का आशीर्वचन आशीर्वाद उन लोगों पर उतर आया है। आप सब इस आश्रम को जितने भी लोग आए हैं सब जान लीजिए, हमारा गुरु आश्रम है, ये हमारा गुरु आश्रम है। आप सब इस आश्रम में आकर के तन से, मन से, वचन से, धन से सेवा करते हुए अपने भविष्य का निर्माण करते रहें, अपने भविष्य का निर्माण। अकेला ही नहीं, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों पीढ़ी के लोग को लेकर के आइए। भविष्य कहते हैं नन्हे मुन्ने बाल बच्चों को, भविष्य पीढ़ी भविष्य निधि है। वर्तमान पीढ़ी है बेटा और बहू है। भूत पीढ़ी है जाने वाले दादी और दादा है। सब लोग आकर के यहाँ अपने जीवन को, अपने भाग्य को सराहना करें। हमारे लिए यह आश्रम एक तीर्थ आश्रम बन गया, कल्याण के भूमिका बन गई। ऐसे जगह में आप सब आए हैं आज वर्तमान में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। कितने संतों का दर्शन और वाणी भी हम सबको मिल रहा है। किसके बल पर? उन
यहाँ पर रहने वाले संतों के माध्यम से, साध्वियों के माध्यम से। तो आइए, सदगुरु कबीर ने क्या कहा है और हम क्या कर रहे हैं। हम कबीर के कहलाते हैं, वास्तव हम कबीर के अनुयायी हैं कि नहीं है, हम अपने को तराशे। सदगुरु कबीर के बीजक के माध्यम से, उनके कबीर के शाखी शब्द रमणी के माध्यम से हम अध्ययन करें और तराशे अपने को। सदगुरु कबीर कहते हैं, कबीरा तेरो घर कंदला में, यह जग रहत भुलाना, गुरु की कही करत नहीं कोई, अमहल महल दीवाना। गुरु की कही हुए रास्ता पर कोई नहीं चल रहा है। सदगुरु कबीर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, गुरु की कही करत नहीं कोई, अमहल महल दीवाना। अमहल और महल से तात्पर्य है, अमहल कहते हैं विरक्त, विरक्त भेषधारियों को, जो गुरु और संत के रूप में हमारे सामने में आते हैं और उनके हम चरण स्पर्श करते हैं। क्या वे गुरुजन? सदगुरु कबीर कह रहे हैं, अमहल हे भेषधारियों, हो गुरु महंतों संतों, क्या मेरे बातों को तुम मान रहे हो कि नहीं हो? तुम अपने को तराशो। गुरु की कही करत नहीं कोई, अमहल महल दीवाना। और महल, महल कहते हैं गृहस्थों को। गृहस्थ लोग भी, जैसे अभी हम संतों के माध्यम से सुने हैं कि कबीर के कहलाते हैं, कबीरपंथी कहलाते हैं, लेकिन वे भी दीवाना बन करके हम अनेकों के घर में जाते हैं, देखते हैं, वहां पर एक पूजा स्थल बनाया गया है, पूजा स्थल बनाया गया है, उस पूजा स्थल में देवी दुर्गा भी है, काली भवानी भी है, शिव और पार्वती भी है, अपने गुरु में विश्वास नहीं है, अपने गुरु के कहे हुए बातों पर विश्वास नहीं है। तुम्हारा घर कहाँ है? एक साध्वी ने अभी दुर्ग भिलाई में कही, साहेब ये हमारे आश्रम में, हमारे घर में एक बार तो आइए, तुम्हारा घर कहाँ है? उन्होंने कहा, मेरा घर तो दुर्ग में है। तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारा घर, तुम साध्वी हो और घर दुर्ग बताते हो। तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा हृदय में है। तुम्हारा घर को तुम लेकर के चल रही हो। तुम्हारा घर सुंदरा में नहीं है, पारी में नहीं है, राजनांदगांव में नहीं है। तुम्हारा घर, असली घर कहाँ है? तुम्हारा हृदय में है। हृदय, कबीरा तेरो घर कंदला में, यह जग रहत भुलाना। तुम्हारा घर कहाँ है? कंदला में। कंदला कहते हैं कंदरा को, कंदरा कहते हैं गुफा को। गुफा कहाँ है? तुम्हारा हृदय गुफा है, हृदय गुफा है, वही तुम्हारा घर है, असली घर। और हम नकली घर के पीछे लगे हैं और नकली परिवार के पीछे लगे, ये मेरा कहते कहते हमारे दादा बाबा परपाजा सब पूरा पुराने पीढ़ी सब चले गए, और जिसको कहते थे वे है मेरा है, वो सब यहीं पड़ा है। आज वर्तमान में हमारे माता पिता कहते हैं,
ये सब मेरा है, वे भी लबरा है, वे भी छोड़ के जाएगा। आज बेटा बहू नाती नतनी कहते मेरा है, वे भी छोड़ के जाएगा। तुम्हारा घर तुम्हारा क्या है, असली तुम्हारा है तुम्हारी आत्मा। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं, ये पांच तत्वों का है। मानुष जन्म चुके हो अपराधी, यह तन केर बहुत है साजी। तात जननी कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ लाग किन प्रतिपाला। कामिन कहे मोर पिहुआही, बागिन रूप गिरासा चाही। सूत्र कलत्र रहे लौलाई, यम की नाई रहे मुखबाई। काग गीत तो मरण विचारे, सीकर स्वांदो पंथ निहारे। अगिन कहे मैं इतन जारों, पानी कहे मैं जरत उबारों। धरती कहे मोहि मिल जाई, अरे पवन कहे संगले उड़ाई। तेही घर को घर कहे गंवारा, सो बैरी हो गले तुम्हारा। इतने तन के साजिया, जन्मों भर दुख पाओ। चेतत नाही मुक्त नर बौरे, मोर मोर गोहरा है। क्या तेरा है, कौन तेरा है? आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सदगुरु कबीर के विचारों पर, बीजक के शाखी सप्त रमैनी पर अध्ययन करें, चिंतन करें। मेरा कौन है, कहाँ है, क्या चीज है? जो जान जाएगा वही असली संत है, वही भक्त है, वही महंत है, वही गुरु है। ये कौन कह रहे हैं? सदगुरु कबीर कह रहे हैं। सदगुरु कबीर, कबीरा तेरो घर कंदरा में या चक्रात। कबीरा कबीर कह रहे हैं, कबीरा कबीरा कौन है? संसार के हम भटके हुए जीव हैं, वो कबीरा है। और कबीर कौन है? जो हमारे बोधदाता बीजक की रचना करने वाले जो हमारे उपास्य है, सदगुरु कबीर, वो कबीर है। और कबीरा ये संसार के भटके हुए जीव है, प्राणी है। इस जिस साखी में, जिस शब्द को मैं बोल रहा हूं, इसमें पांच बार कबीर है, अंतिम में कबीर है, अपने नाम का छाप दिया है। और चार बार संसार के जीवों को बताया है, कबीरा तेरो घर कंदला में। हे कबीरा, हे संसार के जीवो, तुम्हारा घर कहाँ है? कंदला में। कंदला कहते हैं गुफा, हृदय गुफा में। उसमें चित्त को जोड़ो, कुछ समय ध्यान करो, अपने में ध्यान करो। प्राणी और पदार्थों में हम ध्यान देते हैं, वो तुम्हारा नहीं है। कुछ भी नहीं है तेरा, दो गज जमी है तेरी। मिल जाएगी भी तुझको, यह भी नहीं जो जरूरी है। दो गज जमीन मिल जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। ये इतना बड़ा रोड से लेकर के वहां तक, जहां तक घेरा है, संत श्री योगेंद्र साहेब ने खरीदा है। 7 एकड़ जमीन, 7-8 एकड़ जमीन, लेकिन उसको कितना जमीन मिला? बस मात्र 2 गज मिला है। यहाँ पर 2 गज जमीन में वहां पर समाधि लगा दिया गया। कौन समाज के लोग? वो उनका है, वह भी उनका नहीं। वो तो हंस उड़ गया, काया को कहाँ छोड़े? बाहर रखते हैं तो गंधाएगा, और चींटी और कीड़े मकोड़ों की सियार, कुत्ता बिल्ली खाएगा। इसलिए उस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए 2 गज जमीन, 5 हाथ गड्ढा खोद करके डाल दिया गया उस शरीर में। 2 गज जमीन ही मिल पाया। और किसी का दुर्घटना में मौत हो जाती तो आग में जल करके राख हो जाता है, भभूत बन जाता है। 2 गज कौन का है? एक मुट्ठी राख भी नहीं मिलता है, वायु में उड़ जाता है। क्या मेरा है, क्या तेरा है? कौन मेरा है? का पत्नी मेरी है, पति मेरा है, पुत्र मेरा है, घर मेरा है, धन मेरा है, कौन मेरा है? कुछ भी नहीं है तेरा, 2 गज जमी है तेरी। मिल जाएगी भी तुझको, यह भी नहीं जरूरी। 2 गज जमीन भी मिल जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए संतो जागो अब भई भोर, बहुतक सोए जन्म सिराए। यहाँ नहीं कोई तोर, यहाँ नहीं कोई तोर। आजकल में मौत होना पक्का है, पक्का है, बिल्कुल पक्का है।
इसे मौत का याद करो और गुरु के ध्यान करके प्राणी और पदार्थ जो मिला है उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। दादी दादा के सेवा करो, माता पिता के सेवा करो, पति और पत्नी में सुंदर त्याग भावना से रह करके जीवन को सार्थक बनाओ। संतान आ गया है, संतान को अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा प्रेरणा मिले, ऐसे माता पिता को कर्म करना चाहिए, काम करना चाहिए, गलत संस्कार ना हो। और अपना जीवन को पूर्ण निर्मल करके इस संसार से विदा लो। एक भक्त थे, वो शिक्षक भी थे, गुरूर के रहने वाले बालोद जिला के। उन्होंने अपने शिक्षित परिवार, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, सबको बैठा करके, और खुद शिक्षक थे, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है तुम्हारा, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसे नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। ऐसे इस पद को गाते गाते उनका प्राण पखेरु उड़ गया और उच्च श्रेणी के शिक्षक थे। तो हमारा क्या है, कौन है? इसलिए गुरु के, सदगुरु कबीर के और पहुंचे हुए वर्तमान के गुरु के कहा हुए हम बातों को माने, चिंतन करें और विचार करें, मेरा कौन है, मेरा क्या है। इसलिए सतगुरु कबीर कहते हैं, कबीरा तेरो घर कंदरा में यह जग रहत भुलाना, गुरु की कही करत नहीं कोई, यह अमहल महल दीवाना, सब दीवाना बन करके भटक रहे। नर हरि लाग दो विकार बिनु इंधन, मिले न बुझावन हारा, मैं जानो तो ही से व्यापे जरस सकल संसारा। हे नर हरि में लगो, हरि कहाँ है, कहीं विष्णु हरि नहीं है, ऊपर कोई परमात्मा हरि नहीं है, हरि कहाँ है, अपनी आत्मा तुम्हारी आत्मा है। सद्गुरु कबीर कहते नर हरि लाग, हे नर हे प्राणियों, हरि में लगो, आत्मा में लगो, आत्म चिंतन करो। नर हरि लाग दौ विकार बिनु अंदर, तुम्हारे अंदर में दवाग्नि लगी है, उसका कोई बाहर विकार नहीं है, वो तो आग लगी है, तुम्हारे द्वारा ही लगी है, मैं जानो तो ही से व्याप है जलस सकल संसारा, और उसी आग से सारे संसार के प्राणी भी जल रहा है, जल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मिले ना बुझावन हारा, आज तक तुम्हारे बुझाने वाले कोई गुरु नहीं मिला, और जिस गुरु के पीछे भटक रहे हो वो गुरु भी तड़प रहे हैं। कैसे, एक उदाहरण के माध्यम से हम समझे, मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, समय हो चुका है। एक भक्त थे, उनका एक ही संतान था, संतान खत्म हो गया, अचानक कोरोना पीरियड में खत्म हो गया। बहुत सुंदर बालक था, 3 साल का बालक था, उस पुत्र के मोह में पिता हरदम पागल बन करके खाना पीना छोड़ दिया, तड़पता रहता था, हा बेटा हा बेटा हा बेटा, हा बेटा। लोगों ने उसे सलाह दिया कि इनको इनके गुरु आश्रम में ले जाओ, इनके गुरु आश्रम में ले जाओ, गुरु ने, गुरु है, उनको शिक्षा देगा, उपदेश देगा, ज्ञान देगा, उनके मोह को दूर करेगा, गुरु आश्रम में ले जाओ। गुरु आश्रम को उसको ले जाया गया, गया पूछा गया, गुरु महाराज कहाँ है भाई इनका? उन्होंने, लोगों ने बताया कि गुरु महाराज एक महीना के लिए, एक माह के लिए वो अज्ञातवास है घर में, लेकिन किसी से मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? उसका एक जवान बेटा था, शादी भर हुई थी, बहू आई थी, लेकिन पति और पत्नी में मिलन भी नहीं हुआ था, और अचानक वह बेटा खत्म हो गया। तो गुरु है, वह अपना पुत्र के मोह में एकांत में अकेले में पड़ा रहता है, किसी से बोलता नहीं, तो गुरु कौन है?
गुरु खुद ही मोह में पागल बन करके छटपटा रहा है तो शिष्य के मोह को कैसे छुड़ाएगा। इसलिए सतगुरु कबीर कहते हे नर हरि में लगो, आत्मा में लगो, आत्मा ही तुम्हारा है, कुछ भी नहीं ये तेरा, आत्मा ही तेरा है। नर हरि लाग दौ विकार बिनु इंधन, मिले न बुझावन हारा, मैं जानो तो ही से व्यापय जरा सकल संसारा। बुझाने वाले सतगुरु कबीर के जो असली सिद्धांत है, आत्मज्ञान है, वह तुम्हारे अंदर में प्रवेश नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम बीजक तो रखते हैं, बीजक सतगुरु कबीर का ये बीजक है, रखे हैं, जेब में रखे हैं, लेकिन इसका अध्ययन नहीं कर रहे हैं, मनन नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं कर रहे हैं, किसी गुरुजनों के पास जा करके उसका भेद नहीं जान पा रहे हैं। इसलिए सतगुरु कबीर करते हैं, है कोई गुरु ज्ञानी जगत उलट भेद बुझे, पानी में पावक भरे अंधी आंख न सूझे, है कोई इस संसार में यहाँ इस सभा में गुरु ज्ञानी, गुरु ज्ञाते कहते आत्मज्ञानी कोई है, यदि है तो जगत से पीठ दे दे और आत्म तत्व को पूजे, मैं कौन हूँ, क्यों जगत उलट भेद बुझे, पानी में पावक भरे अंधी आंख न सूझे, पानी में पावक आग धधक रही है लेकिन अंधों के आंख से सूझ नहीं रहा है। एक आदमी अभी दौड़ते दौड़ते आया यहाँ पर आकर के सत्संग हो रहा है, यहाँ पर बताया साहेब जी क्या हुआ, अरे भंडार घर में भोजन बन रहा है पब्लिक के लिए, वहां पर एक भंडारी है उसका पैर जल गया है, किसमें जला, पानी में जल गया, अरे पानी में नहीं जलता किसी का पैर तो किसमें जला है, पानी में आग के अंश समाया है, पानी खौल रहा था उसमें चावल पड़ना था, चावल पड़ने बाकी रहा और अंधन जो है बटलोही गिर गया, गिरने से पैर जल गया, किसमें जला है, उस पानी में आग के अंश समाया है, लेकिन वह आग धधक रही थी, आग है धधक रही थी, उस आग में वह पानी गया खोलते हुए पानी, तो धधकते हुए पानी आग को पानी बुझा दिया, कौन से पानी बुझाया है, वह शीतल पानी, उस पानी में शीतलता है, यदि आग होता पानी में तो आग को जलाता नहीं, पैर को जलाया चमड़ी को, पानी में पावक भरे अंधी आंख न सूझे, पानी में ऐसे ही सबके आत्मा शीतल आत्मा है, शीतल आत्मा है, लेकिन गुरु न मिलने के कारण से, गुरु न मिलने के कारण से हम ये सबको अपना मानते हैं, ये मेरा है? और मोह में ममता में राग में द्वेष में हम भटक रहे हैं, कौन मेरा है, अपने आत्मा को भूल करके हम प्राणी और पदार्थों को मेरा कहते हैं, इसलिए हम जल रहे हैं, शीतल आत्मा तप्त रहा है, पीड़ित है, तड़प रहा है, एक दिन मेरा शरीर छूट जाएगा, पड़ा रहेगा और प्राण वायु निकल जाएगा और आत्मा अपने में आप शांत हो जाएगा, उस आत्मा को जाने और आत्मा में चित्त को जोड़ें, मैं शुद्ध आत्मा हूं। सभी लोग दो मिनट के लिए आंखें बंद कर लें, बिल्कुल स्थिर आसन से बैठ करके बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए दो मिनट मात्र। भीड़ आदमी का है और आदमी अकेला है, अकेले पने का अनुभव करो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं नारी नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं साधु नहीं हूं, मैं गृहस्थ नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं अमर आत्मा हूं, मैं अमर आत्मा हूं, मेरा कोई नहीं है, मेरा कुछ नहीं है,
यह शरीर जड़कर जल करके राख हो गया है, यह शरीर मिट्टी में मिल गई है, मैं आत्मा शुद्ध आत्मा अजर अमर अखंड अविनाशी आत्मा हूं, मेरा कोई नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। आंखें खोल लीजिए। अभी तक आप केवल शुद्ध आत्मा थे, अकेला थे। अब शरीर दिखने लगा, संत भक्त नर नारी दिखने लगा, भीड़ दिखाई दे रहा। लेकिन जब आंख बंद करके आत्म अनुभूति कर रहे थे, कुछ भी नहीं था, अकेले हंस आत्मा, उसी में हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले, बीजक के शब्द में है, हरिजन गुरुजन हंस दशा लेकर के डोलते हैं, संसार में विचरण करते हैं, और निर्मल नाम चुन चुन करके बोलते हैं, स्वयं अपना जीवन को तराशते हैं, क्या मैं साधु हूं, क्या मैं महंत हूं, क्या मैं भक्त हूं, अपने को हम तराशे, उसका लक्षण क्या है, मैं इस योग्य हूं कि नहीं हूं, मैं संत हूं, संत का भेष है, लोग मुझे गुरु कहते हैं, क्या मैं गुरु पद में आसीन हो चुका हूं, मैं अपने में चिंतन करूं, यदि आसीन नहीं हूं तो गुरु कबीर के विचारों के अनुसार मैं अपने को तराशूं, अपने को संवारूं, मैं पीछे ना हटूं, आगे बढ़ूं। इस प्रकार से गुरु पूर्णिमा मनाने का तात्पर्य है, सच्चे सदगुरु कबीर के विचारों के अनुसार चलें और मनन चिंतन करें। ये शरीर भी नाशवान है, प्राणी और पदार्थ मिले हैं, आज है कल नहीं रहेगा, मौत होना पक्का है, इसलिए अपने आत्मा पर दया करो। आत्मा पर, ये आत्मा संसार में फिर से भटकने न पड़े, न पावे, और अपने आप में मुक्त हो जाए, उसके लिए निर्मोहता को प्राप्त कर लो। निर्मोहता, कहीं कबीर ते उबरे जाहिन मोह समाए, जारो जक्का नेहरा मन बौरा हो, जामे शोक संताप समुझ मन बौरा हो। हे मन बौरा, इस संसार के नेह मोह तुम्हें जलाने वाला है, इसलिए इसका मोह को जला डालो। तुम्हारे फंसने के लिए जाल है, जाल, इसे जाल को जला डालो। आज अवसर मिला है, जारो जग का नेहरा मन बौरा हो, जामे शोक संताप समिझ मन बौरा हो। हे मन बौरा, अच्छी तरह से समझ ले, विचार कर ले, तुम्हारा कुछ नहीं है, कोई नहीं है, इसलिए अपने आप का अभ्यास करो। ये कौन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये गुरु कबीर कह रहे हैं, जारो जग का नेहरा, कहीं कबीर ते उबरे जाहिन मोह समाए, जिस वही उबर सकता है जिसके मन में धन का लोभ ना हो और प्राणी का मोह ना हो, वही संसार से उबर सकता है। हम लोग यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दृढ़ संकल्प लेकर के, आज संकल्प दिवस है, संकल्प लेकर के यहाँ से चलें और अपने अपने जीवन को तराशें और सद्गुरु कबीर के विचारों के अनुसार हम अपने जीवन को ढालने की कोशिश करें। और मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ, और आप लोग सच्चे भक्त बने, सच्चे संत बने, सच्चे गुरु बने, और अपने आप को क्या हम पूजा के योग्य हैं कि नहीं है, अपने को तराशें, यदि नहीं है तो होने की कोशिश करें।
इस प्रकार से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी संतों को मेरा हृदय से शुभकामना मंगल कामना है। संत का भेष हम सबका है, हंस का भेष है, हम बगुला बन करके अपने जीवन को बर्बाद न करें, हंस ही हंस हो करके रहें। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए साहेब बंदगी साहेब।